सोने से भी ज़्यादा महंगी ये ज्वेलरी बैग। हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, जो उसका जिससे कोई पैसे लगने वाले नहीं है, मेहनत बचने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। पहला टिप चलिए देख लेते हैं, अदरक और लहसुन को लेकर। घर पर हमारी सब्जी में अदरक लहसुन बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में अदरक लहसुन डालते हैं और इसके बगैर तो चीज़ें की जो टेस्ट वगैरह आती नहीं। तो अदरक लहसुन का हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी डालते हैं मोस्टली हम पेस्ट इसमें डालते हैं। तो जब भी हम करी वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट हम लोग बनाते हैं और करी बनाते हैं। इससे क्या होती है ना, पहले हम लहसुन को छिलकाते हैं, अदरक को छिलकाते हैं, इससे हमारे टाइम की सेविंग नहीं होती है। आज हम क्या करेंगे, घर पे लहसुन होती है, हम एक बार क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में अदरक लहसुन को छिलका देंगे, छिलका के इसको मिक्सी में पीस लेंगे। और जब भी हम, याद रखिए, जब भी हम मिक्सी में पीसेंगे इसको पानी मत दीजिए, धीरे धीरे करके इसको पीसिए। इसे थोड़ा वक्त टाइम लगेगा लेकिन ये अच्छा वाला पेस्ट बन जाएगी। पानी देंगे तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट क्या होगा, थोड़ी सी इसमें बदबू आएगी। तो हम आज क्या करने वाले, तो अदरक लहसुन की पेस्ट एक बार बनाएंगे और हफ्ते भर के लिए स्टोर करेंगे हमारे फ्रिज में। तो इससे क्या होता है कि हमारी मेहनत बच जाएगी, समय बच जाएगी। जब भी हम मसाले की सब्जी बनाएंगे, अदरक लहसुन पेस्ट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रिज से निकाल कर डाल सकते हैं। अक्सर तो ये होता है कि लोग अदरक लहसुन की पेस्ट खरीद कर ले आते, तो अगर आप ऐसे रखोगे तो ये गंद हो जाएगी, ऐसे फ्रिज में रखोगे। मैं यहाँ पे 2-3 दिन के लिए बना रही हूँ, आप चाहे तो एक हफ्ते के लिए बना सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर करके रखने में एक बात दिक्कत है। तो क्या है, इसको जब भी हम स्टोर करेंगे इसमें थोड़ी सी विनेगर डाल देंगे। विनेगर की जगह आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। क्या है कि नींबू और विनेगर जो है स्टोरेज करने में बहुत ही अच्छी मदद हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट बनाएंगे, नींबू विनेगर डालेंगे, इस तरह की प्लास्टिक कंटेनर में डालेंगे, कवर लगा के फ्रिज में रखेंगे। एक हफ्ते 8-10 दिन अच्छे से चल जाएगी, समय और मेहनत दो बच जाएगी आप लोगों की। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक, जो कि बहुत ही बढ़िया हैक्स है। इससे बहुत लोग परेशान होते हैं। हम जब भी सब्जी वगैरह बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, इस तरह की कड़ा मसाला हम इस्तेमाल करते हैं तेल में। पहले हम तेल में कड़ा मसाला डालते हैं, फिर से हम डालते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। हर घर में देखा होगा आपने, हमने कड़ा मसाला तो डाल दिया लेकिन इसमें खुशबू नहीं आती है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी कड़ा मसाला डालेंगे, जो इलायची वगैरह हम लोग डालते हैं ऐसे डालते हैं, तो इसको ऐसे मत डालिए, थोड़ी सी छिलका निकाल दीजिए और इसको तेल में इलायची को डालिए। इससे क्या होगा, इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छे से बाहर निकल के आती है। अगर आप छिलके के साथ पूरा ऐसे ही इलायची डाल देंगे तो फ्लेवर इतना नहीं आता है, बहुत ही कम आती है। तो सेकंड वाले टिप्स यह हम पे लौंग को लेकर है। जब भी हम लौंग डालते हैं अक्सर ये होता है कि लौंग हमारी चटकता है, तो चटकने की वजह से हमारे मुंह में और बॉडी में भी लगती है। तो क्या होगा ना, जब भी आप लौंग डालेंगे तो इसकी जो ऊपर का जो हिस्सा है, जो राउंड वाला हिस्सा है, उसी हिस्से को निकाल देंगे। यही हिस्सा तेल में डालते ही ये चटकता है, पॉपिंग करता है और हमारी स्किन में लगती है और डर भी लगता है। देखिए अभी हम डालें ना तेल में, ये बिल्कुल चटकेगा नहीं। ये छोटा सा टिप्स है लेकिन खाना बनाने के टाइम पर ये बहुत ही बढ़िया हैक्स है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये छोटी सी टिप्स फॉलो करेंगे तो आगे से ये चटकेगा नहीं और आसानी से हो जाएगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला हैक्स देखिए, यहाँ पे जब भी बच्चे कहीं पे हमारे खेलते कूदते बच्चे गिर जाते, बहुत ही बार बच्चे हमारे गिरते हैं और इनके जो नी भाग में चोट आती है, पैर में चोट आती है और हर जगह बच्चे जब खेलते गिरते चोट आती है, तो इस जगह पे क्या करेंगे, बच्चे जब हमारे खेल के घर पे आएंगे चोट वगैरह लग जाती है बच्चों को, तो दवाई देने से पहले छोटा सा काम करेंगे। घर पे कुछ भी इस तरह से बैग होती है, चश्मे की बैग होती है, ज्वेलरी बैग होती है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आइस हमारे फ्रिज में रहती है उस आइस को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही डाल देंगे और अंदर डाल के इनके ऊपर लगाएंगे। जो चोट वगैरह है, दर्द वगैरह है, सूजन वगैरह है, वो होगा नहीं तुरंत और ब्लड हमारी क्लॉट नहीं होगा। वो बैग में डालने से ये हो कि डायरेक्ट हमारी जो हम आइस वगैरह लगाते हैं तो स्किन में ये बहुत ही असर होती है, तो बच्चे रोते हैं। और यहाँ पे इस तरह की ज्वेलरी बैग होती है हम लोगों के घर पे, तो ज्वेलरी बैग इस तरह से हम ले लेंगे। ज्वेलरी बैग के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए उस तरह यहाँ पे फिर से मैं आइस डाल दी यहाँ पे ज्वेलरी बैग के अंदर। अगर आपके पास क्यूब आइसक्रीम नहीं है, जो इस तरह से जो
हम डिपर में जो आइस लग के रहती है उसको भी आप स्पून की मदद से इसके अंदर डाल दीजिए, ठंडक मिल जाएगी। तो इसको हम आप जितनी मात्रा में डाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाती है। इस तरह से हम बैग में, ज्वेलरी बैग में डाल देंगे, और इसकी वजह से बेस ज्वेलरी बैग में डालने की वजह से जो डायरेक्ट ठंडा नहीं लगेगी बच्चों की पैर को, और इस ज्वेलरी बैग के थ्रू जो ठंडगी आएगी तो हमारी सूजन वगैरह, वो दर्द वगैरह वो निकल जाएगी। और उसके बाद हम थोड़े सरसों के तेल मालिश कर लेंगे तो बच्चे जो गिरते हैं वो सब हो जाएगा, दवाई देने की ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे काम में हम दवाई इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही ख़राब है, उसकी बैड इफेक्ट रहती है, साइड इफेक्ट रहती है, जो पहले तो पता नहीं चलता है बाद में उसका साइड इफेक्ट रहती है। छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम किया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स। नेक्स्ट वाला हैक्स मेरा सोया चंक को लेकर है दोस्तों। घर में हमारे सोया चंक्स हम बहुत ही खाते हैं, क्योंकि सोया चंक्स जो होती है जो चिकन मटन जैसे उसका टेक्सचर रहती है, तो बच्चे बहुत ही स्पेशली बच्चे बहुत पसंद करते हैं सोया चंक्स, जो सोया बड़ी होता है। एक बात के ध्यान रखिए, जब भी आप सोया बड़ी लाए बाजार से, खुले वाले तो बिल्कुल मत लाइए, और इस तरह की मीडियम साइज़ की बड़ी लाइए, और पैकेट वाली बड़ी लाइए, छोटे वाले बड़ी बिल्कुल मत लाइए। इससे क्या होता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, और ये मीडियम साइज की बड़ी की टेस्ट बहुत ही अच्छी रहती है। छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम किए। आई होप आज का टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को पसंद आए। पसंद आए तो ऐसे वीडियो में बने रहिए, प्यार देते रहिए। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वाले टिप्स एंड ट्रिक्स में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।